Hello student, good morning to everyone. BA first year, subject अपना pedagogy of economics. ठीक है, इसके अंदर अंतर्गत अपन ने अगली क्लास में मुद्रास्फीति के अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करा था. तो आज की क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार. ठीक है, तो टाइप ऑफ मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या है. ठीक है, तो पहला आया इसमें बस मुद्रास्फीति यानी कैसी होगी जिसमें वस्तु के मूल्य में कीमत में कैसा हो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो. रेंगती यानी धीरे धीरे रेंग रेंगती चाहते बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ोतरी होना, उसे कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति. जब कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि कैसे होती है धीरे धीरे. ठीक है, धीरे धीरे हो तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह रेंगती मुद्रास्फीति कहलाती है. ठीक है, यानी कैसी होगी जब कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे होगी, रेंगती की चाल से होगी, स्पीड कैसी होगी बिल्कुल कम होगी, है ना, धीरे धीरे होगी, वो रेंगती मुद्रास्फीति कहलाती है. और कहते हैं कि यह मुद्रास्फीति भी कैसी हो सकती है हानिकारक हो सकती है. क्योंकि धीरे धीरे मुद्रा स्थिति भी एक वृद्धि की गति क्या होती है बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है तो मूल्यों में
क्या हो जाती है कुछ तेजी आ जाती है, ठीक है। कोई भी चलती चलती भी क्या हो जाती है, वो स्पीड पकड़ लेती है, ले जाती है, चलती उधर चलती है, एक ही आदमी क्या होती है स्पीड में, या दोनों जी कैसी होती है, 30 से 40, ठीक है। इसका अनुपात ये 30 से 40 हो जाती है। प्रत्याशित तीव्र वृद्धि होती है, उसे
सर्पट निकलती है, हम लोग को मालूम नहीं होता कि क्या चीज़ निकली है, एकदम तुरंत निकलती है। उसे कहते हैं सर्पट, एकदम हमें महसूस होगी कुछ चीज़ हमारे आगे से गई थी, मगर हमें मालूम नहीं वो वस्तु क्या थी क्या थी। तो इससे बोलते हैं सर्पट यानी कहती हो जाती है अप्रत्याशित तीर्घ। और वैक्सीनेशन करवाएं और पढ़ाई में व्यस्त रहें। ओके, धन्यवाद।